अभी नोट कर रहे हैं लोगों के लिए खाना आ रहा है गर्दनी बाग स्कूल से, डीएम के स्तर से। ये हम लोग खुद दोस्त लोग बांटे हैं लोग, सर आपस में यूनिटी बना करके कुछ पैसे का प्रबंध करके दिए। किसी को कोई ऐसी नहीं, हम लोग 10 गो भाईचारे लोग मिलके अपने पॉकेट से फंड से अपने 10 गो मिलके अपने पॉकेट से हम लोग के आत्मा का कि सभी गरीबी कोई धरती पर भूखा नहीं रहे। वार्ड नंबर 57 में मौजूद है हम, कॉलेज ऑफ कॉमर्स है ये, देख सकते हैं आप आसपास भीड़ है लोगों की, मतलब यहाँ कुछ लोग रह रहे हैं और इन लोगों के हिसाब से आप देख सकते हैं हिसाब किताब भी चल रहा है। क्या कर रहे हैं? हम अभी नोट कर रहे हैं इन लोगों के लिए खाना आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? गर्दनी बाग स्कूल से आ रहा है। कौन व्यवस्था कर रहा है? डीएम के स्तर से। डीएम के स्तर से? जी हाँ। सरकारी हाँ, सरकारी। कुछ युवक हैं यहाँ पे, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस जगह आने का हमारा मकसद है कि पार्षद महोदय से ज्योति जी ने बात की थी, उन्होंने कहा था कि कॉलेज ऑफ कॉमर्स में उन्होंने व्यवस्था अपना किया है। अब थोड़ा दूरी बना लीजिए आप लोग, कृपया दूरी बनाइए, थोड़ा दूरी बनाइए। हम इन बच्चों से बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि पार्षद महोदय ने आपको भेजा है यहाँ पर। नहीं, हम लोग अपने फैमिली से मतलब दोस्त की तरफ से ही आए हैं। पार्षद जी का सहयोग? नहीं, सहयोग कोई सहयोग नहीं है। आप बताइए, यही आप पानी बांट रहे थे, आपसे किसने दिया है आपको पानी बांटा? ये हम लोग खुद दोस्त लोग बांटे हैं। हम लोग सर आपस में यूनिटी बना करके कुछ पैसे का प्रबंध करके दिए। हाँ, मास्क है हमारे पास। हाँ, इन लोगों के बीच आने का मकसद? हाँ, मकसद ये है कि जितने भी मजदूर भाई लोग हैं जो थोड़ा दूर दूर से आए हैं, वो लोग काफ़ी परेशान हैं, तो हम लोग यहीं के हैं, देख रहे थे सबको परेशानी को देखते हुए हम जितने भी भाई लोग हैं सब लोग मिल करके कुछ पैसे का प्रबंध कराया और उसके बाद निकल चले सर बांटने के लिए। बाहर हमारी गाड़ी लगी हुई है। एरिया के विधायक है, उन्होंने भी कहा कि उन्होंने व्यवस्था किया है, और आपके जो वार्ड पार्षद है वो भी कह रहे हैं कि इसी कैंपस में उन्होंने व्यवस्था किया है। देखिए, वो व्यवस्था के बारे में तो हमको तो नॉलेज नहीं है सर उस टाइप का कि क्या व्यवस्था किए नहीं किए हैं ये लोग। हाँ, यहाँ कोई नहीं है सर, हम लोग आपस में हम लोग के ग्रुप बनाकर आए हैं, हम लोग अपने से सहयोग कर रहे हैं, सब गोटा पैसा मिला कर। देखिए, बाहर के यात्री, हाँ सब लोग, हम लोग अपने ग्रुप के हैं। और अभी हम लोग हाजीपुर पुल सब जगह से सर बांटते हुए आ रहे हैं, पहाड़ी वगैरह जितने भी जगह से परेशान लोग थे। अभी तो हमारे पास खाना है और पानी है। हाँ, ब्रेड है, चूड़ा है, मिक्सचर है, और उसको साथ हम लोग 1 लीटर का पानी दे रहे हैं। जानना जरूरी होता है कि आखिर क्यों निकलना पड़ रहा है आप युवाओं को? सभी लोग कह रहे हैं कि सभी के पास पैसे नहीं है, राशन घरों में नहीं, आपके घर में भी राशन घटा हुआ होगा। सांसद, विधायक, पार्षद कहाँ है? किसी को कोई ऐसी नहीं, हम लोग 10 गो भाईचारे लोग मिलके अपने पॉकेट से फंड से अपने 10 गो मिलके अपने पॉकेट से हम लोग के आत्मा कहा कि सभी गरीबी कोई धरती पर भूखा नहीं रहे, तो हम लोग भाई बंधु मिलके 10 गो अपने पॉकेट से खर्चा करके हम लोग खाना पानी बांट। नहीं सर, हाँ रिस्क तो है सर, बहुत ज़्यादा रिस्क है सर, और रिस्क लेने के पीछे भी कारण है कि मास्क ग्लव्स वगैरह तो मार्केट में पहली बात मिल नहीं रही है सर। हाँ, और साथ में जो भी वार्ड काउंसलर हैं वो उन लोग के पूरी तरह से सहायता नहीं मिल पा रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं कि आपस में मिल करके जो भी भाई बंधु आपस में एक ग्रुप बनाए और सोचे कि निकल के जितने भाई लोग अभी यहाँ ये सही भाई लोग मौजूद हैं, लोगों को अपने खाना पहुँचाया है। कहाँ से हैं? हिलसा से। हिलसा से जा कहाँ रहे हैं? हिलसा ही जाएंगे। हिलसा जाएंगे वापस? हाँ। बीच में कोई सहयोग मिला है कहीं? नहीं, कोई सहयोग ना। यहाँ रुकने में कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं, आज ही तो रुके हैं। आज ही आए? हाँ। खाने पीने की व्यवस्था किसने कराई है? नहीं, अभी तो हम आ ही रहे, खाना तो कुछ खाया नहीं है। कुछ बच्चे भी मौजूद हैं यहाँ पे, कहाँ से हैं? डॉक्टर कौन ली सर? कंकड़बाग डॉक्टर कौन ली? कुछ ने ग्लव्स पहने, चप्पल ना जूता कुछ नहीं, ऐसे घूम रहे क्यों? चप्पल नहीं है। चप्पल नहीं है? यहाँ आए हो क्यों? खाना पीना मिल रहा है? हाँ। क्या बोला है? अपने आए हम। अपने से खोजते हुए आ गए हो? बीच में कोई रोका नहीं पुलिस वुलिस? कोई नहीं बोला कि तुम घूमोगे तो तुमको बीमारी हो जाएगा? कोई ना बोला, खाली अपने से चला आया। बच्चे हैं, देखिए बैठ से बैठे हुए हैं, इधर कुछ मजदूर लोग जैसे लोग हैं जो लगातार लग रहा है कि बहुत दूर से चल के आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? आरा जिला से आ रहे हैं। आरा जिला से यहाँ आने का मकसद? पहले आए थे यहाँ। अच्छा, आए थे, हाँ, शनिचर से आके फंस गए। आरा नहीं जा पा रहे? नहीं जा पा रहे हैं। पर थोड़ा व्यवस्था क्या हो रहा है? नहीं मिल रहा था तो सर यहाँ कल से आ रहे हैं, दिखा रहे हैं। मिल रहा है खाना? हाँ, यहाँ व्यवस्था ठीक है? व्यवस्था ठीक है सर। लोग कह रहे हैं कि यहाँ जो बच्चे हैं वो लोग अपने से व्यवस्था किए हैं, सांसद विधायक कुछ नहीं किया है लोग? नहीं, जो मिलता है जो खाते हैं सर, हम कहा जाने गए कि कहा। अभी वहीं से आए? हाँ सर। नहीं, राजेंद्र नगर से आए। राजेंद्र नगर से आए, खाने पीने की तलाश में। कितने लोग हैं परिवार में? 5 गो हैं। आओ का? अभी से? हाँ, राजेंद्र नगर, खाने पीने की तलाश में। हाँ जी, सब लोग खाने पीने की तलाश में। जी, खाने पीने की तलाश में।
क्या समस्या हो रही है? बहुत समस्या गंभीर है गरीबों के लिए, मजदूर जी कोरोना से समस्या गरीबों के लिए बहुत परेशानी है। मजदूरी का है तब खाएं सर, नहीं मजदूरी करें नहीं खाएं, बिल्कुल एकदम हाँ नहीं, कहीं व्यवस्था नहीं हो पा रही है जी। हाँ अभी व्यवस्था अभी शुरू किया, आज से शुरू हो रहा है सर। हाँ नहीं पहले आज ही शुरू हो रहा है। बिल्कुल साफ सी बात है, आप देख सकते हैं कि जहाँ एक तरफ हम लगातार घूम रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं लोगों से जानने का कि किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, बहुत लंबी लंबी यात्राएं लोग कर रहे हैं, 800-900 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। हालांकि ये लोग तो आसपास के ही लोग हैं, खाने की तलाश में शायद पहुंच गए हैं यहाँ, क्योंकि लगभग हर जगहों पर ये खबर चल रही है कि इस जगह पर कॉलेज ऑफ कॉमर्स में व्यवस्था किया गया है विधायक सांसद और क्षेत्र के यहाँ के जो पार्षद हैं उनके द्वारा, मगर पुल तो यहाँ पर आने पर खुल जा रही है। डीएम के सहयोग से जो सरकारी व्यवस्था है, वो एक सरकारी कर्मचारी हैं जो नाम नोट कर रहे हैं, इनसे भी विशेष बात करने का प्रयास हम करेंगे। सर हम लोग जो ये पैकेट्स आप लोग बंटवा रहे हैं, मैं देखिए मैं फिर आपसे आग्रह करूँगा। हाँ जी, लग रहा है कि आप लोग भावनाओं में आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, भावनाओं की कदर की जाएगी जी, लेकिन इसके साथ साथ जो गलती हो रही है, जो भीड़ लग रहा है, इस तरह से भीड़ दूरी बनाइए ये मना किया जा रहा है, बट क्या करेंगे, आप लोग दूरी बनाइए, जो लोग भूखे हैं वो सर रुक नहीं पा रहे हैं, आप लोग थोड़ा बैठ जाइए, चलो बाहर। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।